हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप PSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC के हो, चाहे रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस, कांस्टेबल, GD, CGL, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी तैयारी करो, यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, और आपसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन लगाते हो आपको गलत करके आते हो, उसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। आप क्वेश्चन गलत लगाते हो, उसी को बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो यार, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो आपके अष्टनेमी को, पार्श्वनाथ को, अजितनाथ को या ऋषभ को। तो याद रखिए, क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ थे। याद रखिए, तो जैन धर्म में कुल लगभग 24 तीर्थंकर हुए हैं लगभग। यहाँ पे जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया, जैनियों के जो पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं, और यहाँ आपके 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर आपके महावीर थे, और जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक आपके महावीर स्वामी थे। याद रखिए, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 23वें तीर्थंकर, तो आपके पार्श्वनाथ थे। अगर 24वें पूछ देता है, तो आपसे महावीर जी, जो कि आपके 24वें तीर्थंकर थे। अगर 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 पूछ देता है आपसे जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी जी इसके संस्थापक है। याद रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं सारे फैक्ट के साथ बताऊँगा। जो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित किस धर्म के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म है आपके, चौथा है सिख धर्म के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। याद रखिएगा, तो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, तो राजस्थान में माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण, और यहाँ पे जो जैन धर्म थे, इन्होंने इस धर्म के जो अनुयायी थे, इनके द्वारा राजस्थान के माउंट आबू पर यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किया गया। बहुत भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। जब भी आप राजस्थान वगैरह जाएंगे, तो वहाँ पे बना हुआ है, जो कि यहाँ जैन जो अनुयायी थे लोग, इनके द्वारा बनाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके आपके राजस्थान में स्थित है, और किनके द्वारा बनवाया गया है? तो आपके जैन धर्म के द्वारा बनवाया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। महावीर के माता जी के नाम थी, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, याद रखिएगा। तो उनके जो माता जी के नाम में, यशोदा, अन्नोजा, चेटक या आपका चौथा है त्रिशला। तो उनके माता जी के नाम में याद रखिएगा, तो महावीर जी की जो माता जी के नाम उनका त्रिशला था, याद रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो महावीर की जो माता जी का नाम त्रिशला है, और उनके जी पिताजी के जो नाम है उनका सिद्धार्थ था, उनका पिताजी के नाम याद रखिएगा। इनका जो महावीर जी का जन्म है, लगभग 540 पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में यहाँ पे महावीर जी के जन्म हुए हैं, और कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। याद रखें, डेट को भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 540 ईसा में इनका जन्म हुआ है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ है। ये और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, महावीर की जो पत्नी की उनका नाम क्या है? तो याद रखें, उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, और उसकी जो पुत्री, अगर क्वेश्चन पूछ जाए उनकी पुत्री क्या नाम है, तो याद रखें अरोजिया, जो कि उनकी पुत्री का नाम है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन से धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न इसको शामिल नहीं किया है आपके जैन धर्म में। तो आपके सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण, इसका जो आपका थर्ड ऑप्शन है, सही दृष्टि, इसको त्रिरत्न में शामिल नहीं किया है जैन धर्म में। बाकी आपका समय विश्वास, सही ज्ञान और आपका सद जो आचरण है, ये आपके त्रिरत्न में जैन धर्म के में बताया गया, जिसे आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र यहाँ पे जो कि जैन धर्म में बताए गए हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो आपके त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग कहा गया है? तो जैन साहित्य को इसमें बताया गया है, जैन साहित्य आपके अंग है, याद रखिए। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो बौद्ध धर्म कौन से संप्रदाय को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था, तो महायान को शामिल किया थे और आपका हीनयान, दिगंबर और का थेरवाद, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन दिगंबर को इसमें बौद्ध संप्रदाय में इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी जो महायान, हीनयान और आपका जो थेरवाद है इसको बौद्ध धर्म में इसको शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिए, दिगंबर को यहाँ पे बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भद्रबाहु, स्थूल भद्र, चार्वाक या आपका जमाली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जमाली, याद रखिएगा। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था, जमाली उनके आपके दामाद भी था, उनकी महावीर का जो प्रथम शिष्य भी था जमाली और उनका दामाद भी था जमाली, तो क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके दामाद कौन था, तो जमाली ही था, उनके जो अगर पूछ देता है उनके शिष्य कौन था, तो ये भी आपको जमाली था, याद रखिए, जो उनकी पुत्री अड़ोजिया थी उनकी जो कि उनका पति था जमाली, याद रखिएगा। महावीर की पत्नी यशोदा थी, उनकी पुत्री अड़ोजिया थी, महावीर का प्रथम शिष्य आपका जमाली था, उनका दामाद भी आपका जमाली था, चौथा ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान महावीर को किस नाम से विख्यात था या लोगों को किस नाम से उनको जाना जाता था, तो आपके जेना, महान शिक्षण, महाप्रचारक या जैन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेना, याद रखिए। तो वर्धमान महावीर थे, इनको जो लोगों के द्वारा किस नाम से विख्यात था, तो जेना के नाम से विख्यात थे महावीर जी, याद रखिएगा, लोग इनके जेना के नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक को जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महावीर, याद रखिएगा। तो भारत में जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर थे, याद रखिएगा, तो जैन धर्म के जो वास्तविक जो संस्थापक महावीर स्वामी, इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जैनियों द्वारा जो जैन तीर्थंकर थे, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का इन लोग प्रयोग किया गया था, तो आपके प्रबंध का, अंग का, या निबंध का, या चरित्र, तो मैंने कुछ टाइम आपको मैंने बताया था, तो जैनियों द्वारा जो जैन धर्म जो अनुपालन करते थे इन लोग, जो उनके जो पवित्र जो ग्रंथ होते थे उनको सामूहिक रूप से आपके अंग शब्द कह के उनको प्रयोग किया जाता था, तो याद रखिए, तो जैनियों द्वारा अपने प्रवित जो ग्रंथ होते थे इनको सामूहिक रूप से इनको आपके अंग शब्द से इनको प्रयोग किया जाता थे जैन तीर्थंकर लोग, तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिए, आपके CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपके बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या चौथा सिख धर्म से, आपके SSC CGL में Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैवल्य जो शब्द है यह आपके जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिए, कैवल्य जो शब्द है कौन से धर्म में प्रयोग किया गया है, तो आपके जैन धर्म में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा किया गया था, तो आपके गौतम के द्वारा, इंद्रभूति के द्वारा, या आपके सुधर्मन के द्वारा, या चौथा है भद्रबाहु के द्वारा, तो इसके चौथा ऑप्शन, तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था, तो आपके भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना इनके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया है, और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की इन्होंने रचना किया गया था, तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार SSC में क्वेश्चन पूछा गया है ऑडिटर के पेपर में, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपके ऋषभदेव को, महावीर, अष्टनेमी को, या चौथा है पार्श्वनाथ को, तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है, तो ऋषभ को माना जाता है, याद रखिए, ऋषभदेव कौन है, यह जो कि जैन धर्म के जो कि 24वें तीर्थंकर है, और जो कि यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो 24वें तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव थे, याद रखिए, यह आपके जैनियों के अनुसार इसको जैन धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है, और यह प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के, याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके बोधगया में, राजगीर में, थर्ड है वैशाली में, या लुम्बिनी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में, याद रखिएगा। तो भगवान महावीर जो इनका जन्म आपके वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और ये आपके
जैन धर्म के उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी जी को। और यहाँ का जो जो आपके महा भगवान महावीर महावीर जी हैं, इनका जन्म कहा जाता है तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, याद रखिए डाटा को, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ के उनकी जो माता जी का नाम त्रिशला थी, और उनकी वो बहन थी जो कि लक्ष्मी इनकी बहन थी। याद रखिए महावीर की पत्नी के नाम यशोदा है, उनके आपके पुत्री के नाम अयोध्या है। याद रखिए उनके दामाद का नाम ने बताया था, उनके दामाद का नाम जमाली था, और उनके प्रथम शिष्य इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, थर्ड है आपका शंकराचार्य थे, या चौथा है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, महावीर स्वामी। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के इनको 24वें तीर्थंकर माना जाता है, महावीर स्वामी को याद रखिए, इनको 24वें तीर्थंकर माना जाता है। अगर आपसे 24वें तीर्थंकर पूछ दिए तो ऋषभ देव है, और आपका जो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। याद रखिए महावीर स्वामी जी को 24वें तीर्थंकर माना जाता है, और जैन धर्म के जो कि वास्तविक संस्थापक महावीर जी को कहा जाता है। याद रखिएगा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में मैं बताया हूँ, और कुंडल ग्राम में इनका कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी की। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, या आपके सुमतिनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो संभवनाथ थे, ये आपके तीसरे तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, तो कहा जाता है जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ इनके तीसरे तीर्थंकर थे। याद रखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हो मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाया हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर आपसे 23वें तीर्थंकर क्वेश्चन पूछता है तो पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर थे, और जैन धर्म के इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैंने इसको सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल टोटल संख्या कितनी मानी गई है? तो 18, 26, 14, 24। तो मैंने अभी बताया टूल जो जैन धर्म कुल यहाँ पर अनुसार आपके तीर्थंकरों की कुल जो संख्या है 24 मानी गई है। तो यहाँ पे जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं, और जो आपके जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम तीर्थंकर को, और 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो तीर्थंकर आपके महावीर थे, और महावीर जी जो कि जैन धर्म के इनको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। याद रखिए टोटल जो तीर्थंकरों की संख्या यहाँ पे जैन धर्म में 24 हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? तो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू या सिख धर्म में। तो आपके जो जैन धार्मिक पंथ के अनुयायी यहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर के दो रूप में, यहाँ दो भाग में विभाजित हो गए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबर जो कि भद्रबाहु के अनुयायी थे, वस्त्रहीन रहते थे और नियमों को कठोरता से पालन करते जाते दिगंबर लोग। याद रखिएगा कठोरता से जो पालन इन लोग करते थे। और आपका जो श्वेतांबर थे, ये पाटलिपुत्र में हुई परिषद के जो पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र नेतृत्व रहे हैं, और आपके जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर कहलाते थे। स्थूलभद्र के जो अनुसार जो श्वेत वस्त्र इन तो पहनते हैं, साथ ही साथ ये अपेक्षाकृत कम कट्टर थे आपके दिगंबर के अनुसार। तो इसका याद रखिएगा दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में विभाजित हो गए जैन धर्म। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मैंने बताया है सारनाथ, लुम्बनी, पावापुरी, या चौथा है कुंड ग्राम में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो जो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ है। याद रखिएगा 540 आपके ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, महावीर जी का जन्म आपके वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से जैनवाद के तीन रत्नों में शामिल नहीं है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, या चौथा सम्यक मुक्ति। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सम्यक मुक्ति। यहाँ के जैनवाद के अनुसार
तीन रत्नों में इसको शामिल नहीं किया गए, तो तीन रत्नों में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक जो श्रद्धा है इसको जैन मत के, जैन धर्म में इसको तीनों रत्नों में शामिल किया है, बाकी जो सम्यक मुक्ति इसको जैन धर्म में शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, तो आप बना के आइए और बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए ताकि आप आपसे डाटा याद हो सके और क्वेश्चन में अच्छा अच्छा क्वेश्चन कवर पाए। तो चलिए बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब को कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।